तुम्हारे वेट कर रहा था। मेरी? हाँ। किस लिए? क्या बताऊँ तुम्हें, जिस दिन से तुम्हें देखा है बस तुमसे प्यार कर बैठा हूँ मैं। तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ, दिल में घर बसाना चाहता हूँ। बताओ। दिल में घर बसाओगे? वो कैसे? दिल में घर बसाना मतलब तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? वैसे तुम लोग अंदर क्यों गए थे? हाँ? अरे कुछ नहीं यार, बेवड़े के चक्कर में सब कुछ हुआ। बेकार में कंप्लेंट हो गया और इंस्पेक्टर उन लोगों को पकड़ लिया यार। बेकार में उनको परेशान करता है, कभी उनके हाथ लग गया ना तो बहुत धुलाई होगी, समझा ना? अरे वो लोग मेरा क्या उखाड़ लेंगे, अगर चार जन भी आएंगे तो मैं उनको धो डालूंगा। बिना मतलब की बकवास मत कर, जिस दिन फंसेगा उस दिन पता चलेगा तेरे को। खैर मुझे जरूरी काम है, मैं निकलता हूँ। वैसे तू ये छोटी छोटी चोरियां क्यों करता है? कभी रिजर्व बैंक में चोरी करना? तू भी ना। अरे तू सही बोला, लेकिन प्रॉब्लम ये है, रिजर्व बैंक में बड़े बड़े कैमरे लगे हैं, अगर वहां हम चोरी करने जाएंगे तो फंस जाएंगे भाई। यार मुझे कुछ काम है, तुम लोग जाओ। हाँ क्या चाहिए? एक कुरकुरे देना अंकल। सब एक रुपए दीजिएगा। एक रुपया? हाँ, सिगरेट लेते वक्त मैच बॉक्स फ्री देते हो क्या? इसलिए मेरा एक रुपया वापस कर दीजिए। लो भाई। उठिए। अजय रुक बेटा। क्या हुआ पिताजी? आज मैं जरा बीमार हूँ, खेतों की तरफ चले जाओ। पिताजी मुझे काम है। क्या काम है?
अवरा गर्दी तो करते रहते हो, काम बोल रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे काम है। तूने एक रुपया भी कमा के लिया है जैसे सबके बच्चे कमाते हैं? अरे चुप करो, ऐसे बोलो जैसे खेती में काम करके आप ही कमाते हो। ए, मेरे खेत में तू क्या कर रहा है? ये पूछने वाला तू कौन होता है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अपने खेत में पानी छोड़ रहा हूँ, तेरा क्या जा रहा है? ए, इज्जत से बात कर। इज्जत से क्या बात करूँ, तू कोई बड़ा ऑफिसर है क्या? आवारागर्दी करने वाला नालायक गुंडा है तू, उस विक्की के साथ गुंडागर्दी करता है तू। ए, विक्की के बारे में बात मत कर वरना बोल रहा हूँ अच्छा नहीं होगा। साल में गया विक्की, तू घर आ तुझे दिखाता हूँ, हिम्मत है तो घर पे आ। निकल यार, उस चमेली के पीछे गया था क्या? बेवड़े चुप, कुछ भी बोलता रहता है यार तू। अरे तुझे मैं पहले से समझा रहा था लेकिन तू समझ ही नहीं रहा था पागल। अरे मैं सब समझता हूँ। हेलो। हेलो भाई, मैं हूँ अजय। हाँ बोल ना भाई, क्या बात है? अरे यार आज खेत पर गया था, वहाँ पे बिना मतलब का झगड़ा हो गया यार। यार तूने उस बुड्ढे के साथ झगड़ा किया है क्यों? अरे ऐसी बात नहीं है यार, हमारे खेत का पानी अपने खेत में मोड़ कर छोड़ रहा था, मैंने पूछ लिया तो इसी बात में झगड़ा हो गया। अरे तुम आ रहे हो क्या आज मामून की जगह पर? हा? आज पार्टी मेरी तरफ से होगी। हा? अच्छा मामून की जगह पर, तो तुम आ रहे हो ना भाई? हाँ ठीक है आ जाऊंगा। वो अपना अजय है ना, उसने बुड्ढे के साथ झगड़ा कर लिया यार। ऐसा है क्या? अरे झगड़े की बात छोड़ यार, पार्टी की बात करते हैं। गमें, 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 गमें। हाँ चल पार्टी करते हैं ना। चलो पार्टी करेंगे तो मजा, चलते हैं। चलो चलो। अरे कुछ भी हो लेकिन अपना काम बेकार नहीं होना चाहिए भाई। अगर मुझे थोड़ा भी गुस्सा आ गया होता ना तो उसकी मैं बोटी बोटी कर देता भाई मैं उसका। आ, उसे तो काट के बिरयानी बना देना चाहिए यार। मैं पहलवान हूँ, पहलवान। ये हमेशा ऐसा ही करता है, इसे सबक सिखाना ही होगा भाई। मुझे उसको मारना है बस। अरे हम मारेंगे तो वो मर जाएगा यार, उसे मारेंगे नहीं हम भाई। फिर उसने मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा बता? अरे सबकी क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है? भाई मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही जा रहा था। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी वहीं जा रही हूँ। वहाँ क्या हो रहा है यार? अरे क्या बोलूँ यार, एक बच्ची के साथ शादी कर रहा है वो। बच्ची के साथ? हाँ यार उसी की बेटी है। अंबिका बालिक थोड़ी ना हुई अभी। जब वो बड़ी हो जाएगी तो शादी नहीं करोगे क्या? बड़ा लड़की ना 18 की होनी चाहिए और लड़का 21 का होना चाहिए, तभी वो बालिक होते हैं। इतना भी बेबी को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वो तो मैं कर लूंगी, बैठ जाना। We'll be right back.
अरे असंभव, क्या चल रहा है रे? कुछ नहीं हुजूर, यहाँ शादी चल रही है। शादी? इतना आदमी है रे? जी हुजूर सर, दो आदमी है सर। दो आदमी? आखिर बात क्या है सर? जहाँ गलत होता है वहाँ रॉबिन हुड होता है। लड़की के माँ बाप कौन है? उमर, लड़की की उम्र कितनी है? 11 साल की लड़की की शादी करा रहे हो? सर, यहाँ नाबालिग लड़की की शादी हो रही है, ऐसी कंप्लेंट आई है हमारे पास। किसने बताया सर? जिसकी शादी हो रही है उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। हम कुछ नहीं दिखाने वाले सर, आप जाइए। ए, किसे निकालने की धमकी दे रहा है? यहाँ रॉबिन हुड खड़ा है, समझे? जब हमारी लाठी पड़ेगी ना, तब सब होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। ये हुई ना बात। आखिरी समय में आंखें बचा लिया यार। इंस्पेक्टर आ गया। सुपर एक्टिंग किया सर। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। सर हम बहुत सही टाइम पे आ गए। अरे जल्दी निकालो यार, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी निकालो। सर अपना फोन नंबर दीजिए। रॉबिन हुड रैम्बो 007, जब मर्जी है कॉल करो। ओके सर, थैंक्स सर, बाय सर, बाय बाय। यस, अब हमारा रास्ता साफ है। उमर बेटी, क्या बात है पापा? बेटी, गांव वाले लोग हमारे बारे में गलत बोलें तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने परिवार पर कलंक मत लगाना बेटी। क्या हुआ पापा, ऐसा क्या हो गया? जवान लड़की घर में होती है तो फिक्र तो होती है ना। पापा मैंने पहले ही कहा था, बाल विवाह नाबालिग उम्र में कानूनी जुर्म है, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। ऊपर वाले की कृपा से बच गए आप। बात सुनो बेटी, लड़की के माँ बाप की तकलीफ तुम क्या जानो? सही उम्र में शादी नहीं की तो बदनामी होती है। टाइम से शादी कर दें तो माँ बाप बेफिक्र होकर सुकून से जी सकते हैं। मतलब इस वजह से आप हमारी पहले शादी कर देंगे, है ना पापा? तुम मुझे अकल सिखाने की कोशिश कर रही हो? पापा हम भी बालिग हैं, हम अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। आप बेकार इतना परेशान मत होइए। पापा ऐश्वर्या ने जो भी बातें कही सही कही। क्या हाल है, कहाँ तक पहुँची तेरी लव स्टोरी? यार क्या करूँ यार, जो अपनी किस्मत में लिखा है वही होगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है। ये हमेशा दूसरे की स्टोरी जानना चाहता है, अपनी स्टोरी छुपाता है, पागल कहीं क्या? क्यों मेरी टांग खींचता रहता है यार? अरे बेवड़ा, ये बहुत बड़ा काम है, लड़कियों को पटाना इतना आसान नहीं है। भाई मामा कहाँ जा रहे हैं, जरा पूछो इनसे। कहाँ जा रहे हैं मामा? राजस्थान जा रहा हूँ भाई। क्या मामा जी, आपने ही तो इस गांव वालों को अच्छी बातें सिखाई हैं, अब आप यहां से जा रहे हैं तो फिर कैसे होगा? आप गांव छोड़ के जाना क्यों चाहते हैं? क्या हम लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं क्या? कोई बात नहीं, जाना है तो जाइए। पानी नहीं है, फसल नहीं उगा पाएंगे तो क्या करेंगे? कितना खर्चा करके फसल उगाते हैं फिर भी हमारा फायदा नहीं होता, पेट पालने के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा ना। डॉक्टर राजकुमार ने भी इसी तरह खेती करके बड़े हीरो बनकर साबित किया खुद को, वो आदर्श है, हमारी मिसाल है। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर आपको जाना है तो जाइए, कोई बात नहीं, जाइए, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी आप जाना चाहते हैं? अरे यार ठीक है, हम लोग वापस गांव जाते हैं, सुख दुख आपस में बांट के जी लेंगे। हाँ मामा ने सही कहा, जो भी सुख दुख होगा हम बांट के जी लेंगे, चलो। नेक काम किया भाई, जो तुमने रोक लिया उनको, शाबाश। अरे हाँ यार, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने गाँव वालों की मदद करनी है बस। वो तो है भाई, वाह। Thank you.
सॉरी स्वाति। सॉरी क्यों? वो एक्चुअली बात ये है कि वो लोग नाबालिग लड़की की शादी कर रहे थे, इसलिए मैंने ड्रामा करके वो शादी रुकवा दी। इस बात को तुम फील मत करना। अरे कोई बात नहीं। फिर भी मुझे सॉरी बोलना था। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ हेलो, मिस कॉल क्यों किया तूने? ₹10 का रिचार्ज कर देना तो 10,000 का मोबाइल खरीद सकता है, ₹10 का रिचार्ज नहीं करा सकता। उसके लिए मिस कॉल देता है। अरे ₹10 के रिचार्ज करने की तेरी औकात नहीं है, ऊपर से मुझसे सवाल करता है। फोन रख, फोन रख। अबे बेवड़े कहीं के, रख दे फोन। क्या हो गया रे? अरे वो बादशाह यार सारा बैलेंस ही खत्म कर दिया बात कर करके। अरे तो क्या हो गया, जो फोन करेगा उसी का तो पैसा कटेगा ना। अरे वो सब छोड़, अपनी फ्रेंडशिप पर भी गाली देता है। अरे इतनी कंजूसी करेगा तो कौन दोस्ती निभाएगा? थू। ए, वो अपनी फ्रेंडशिप पे गाली देता है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? तू छे, अब मोबाइल भी फेंक दूंगा। मोबाइल। मोबाइल तेरा मोबाइल दे तो जरा। क्यों, अपना मोबाइल तो फेंक दिया, मेरा मोबाइल भी फेंकने का इरादा है क्या? अरे ये बेवड़ा पागल है, जाने देना, दे दे उसे। ये ले बेवड़े, ले। कौन? हेलो सर, मैं लकी मोबाइल से बात कर रहा हूँ। ₹100 का रिचार्ज करोगे तो ₹1,00,000 जीतोगे और अनलिमिटेड कॉल्स फ्री। और अगर आप आज भी चार्ज करोगे तो बहुत सारे गिफ्ट मिल जाएंगे आपको, तो रिचार्ज करो आज। इसमें बैलेंस टॉप अप करूँ कि नहीं करूँ? इनाम भी तो है, कर लेता हूँ। भाई इसमें ₹100 का रिचार्ज करो। किस नंबर पर? मालूम नहीं है। 9800000 क्या यही नंबर है? हाँ हाँ वही नंबर है। ठीक है पैसा दो। ओके ये लो पैसा लो। अरे ये मेरा मोबाइल है, मैंने अभी अभी रिचार्ज करवाया है। मेरे मोबाइल को तू अपना मोबाइल बोलता है? चाल। लेकिन मैंने अभी रिचार्ज करवाया है। तो रिचार्ज कराने के लिए मैंने बोला था क्या? चाल। ये कैसा आदमी है यार, मुझसे रिचार्ज करवा लिया। अरे ये कैसे किया यार? अरे इसे फोन किया, लकी प्राइज मिलता है ऐसा बोला था, इसने रिचार्ज कर दिया। अरे यार ऐसा मत देख, नहीं तो डूब जाएगा समंदर में। चुप बेवड़ा, लड़की बोलेगा तो सब लोग पिघल जाते हैं। लड़की जो है आग की तरह होती है, अगर शादी करना है तो लड़की से प्यार करो। अगर लड़की को तूने कभी गलत नजर से देखा तो बेटा तू तो गया काम से, समझा? ए तू देखते रहना, मैं उसे कैसे पटाता हूँ, तू देख। अच्छा बेटा जा।
क्यों मारा रहा है? थू बेवड़ा, बकरी जैसे मैं कर रहा है। सारे सपने में मेरे चोरी आई थी रे। मुझे लड़की समझ रखा है। सॉरी सॉरी। ए सुबह जल्दी उठना है यार, सो जाना। बेकार में इसने नींद खराब कर दी। सो जा भाई, सो जा, सो जा। अरे यार कल मजा आ गया था तुझे, बताऊं मैं क्या? देख ना तेरी तरफ ही चली आ रही है। अंकल एक फेयर एंड लवली देना तो। देख भाई अभी मार खाने वाला है पक्का, तू देखना अभी देख। ए, चुप रहना। देख अभी मार खाएगा, पक्का खाएगा मार। तो साले को मार खिलाना ही पड़ेगा। क्या करूं? ये ले। देख अभी पक्का पिटने वाला है ये। भाई छोड़ ले। तुमने मुझे मारा क्यों? मैंने देखा नहीं है क्या मुझे पीछे से मार रहे हो? भैया अभी बैठ के देख रहे हो, अगर आपकी बहन रहती तब भी क्या आप यही करते? आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मेरी? हाँ। किस लिए? क्या बताऊँ तुम्हें, जिस दिन से तुम्हें देखा है बस तुमसे प्यार कर बैठा हूँ मैं। तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ, दिल में घर बसाना चाहता हूँ। बताओ। दिल में घर बसाओगे? वो कैसे? दिल में घर बसाना मतलब तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या?
उठा के लाओ रे। हट, हट जा। वो उधर नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। अच्छा, बेकार में पुलिस वालों को ले जाकर मेरे साथ धोखा किया ना, मैं तेरे को चीट डालूंगा। शेर के साथ मुकाबला करने का सपना देखना छोड़ दे, एक सोडा पी के रम पी के चुपचाप सो जा। बेकार में छेड़ने की कोशिश करेगा तो काट दूंगा। अगर हमारे गांव में कदम रखने की तुमने जरूरत भी की तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। ए, फालतू में तुम लोग डायलॉग मार रहे हो। बिल्ली मर गई तो क्या हुआ, अभी शेर है शेर। अगर दोबारा कभी हमारे रास्ते में आने की कोशिश भी की ना तो काट के रख दूंगा। संभल के रहना। चल। तू डर गया था क्या? अरे नहीं नहीं बाबा नहीं। अरे क्यों? नहीं, मैं डरा नहीं था, पर मैं मारता नहीं। सिर्फ मार खाया इसने। मैं अरे तुझे भी आके मारना चाहिए था ना उसे। मैं ना मार पीट के बीच में आता ही नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। अरे एक टाइम पे इसने किसी के साथ चीटिंग किया था, धोखेबाजी किया था, आज उन लोगों के हत्थे पड़ा है तब जाके साले को पिटाई लगी है। अरे कब तक तुम लोग ऐसा ही काम करता है, ले जाके समझाइए। अच्छा काम किया, उनकी धुलाई की ना अच्छे से। अरे वो सब हम देख लेंगे, तू जाना यहाँ। अरे चल रे, ए चल यार, हम भी चलते हैं। क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? हाय, कैसे हो? देखने का मन हुआ। अरे क्या हुआ बताओ ना, क्यों बुलाया है? हम किसी से क्यों डरे, हम कहीं भी जाकर शादी कर लेंगे। अरे तुम्हें मेरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? घर में कितनी प्रॉब्लम है मैं जानती हूँ, हम कहीं भी जाकर शादी कर लेते हैं, कहीं दूर जाकर अपना घर बसा लेंगे। ठीक है हम शादी करेंगे, लेकिन पकड़े नहीं जाएंगे इसकी क्या गारंटी है? अभी हमें क्या करना है ये बोलो, चलो हम कहीं दूर चल के शादी कर लेते हैं। तो क्या हमें गाँव छोड़ना पड़ेगा? मुझे पता है तुम इस तरह गाँव छोड़कर अपना वादा नहीं निभाओगे। अरे मेरा छोड़ो, मैं जी लूंगा, बस तुम ठीक रहना, जाओ। विक्की, मुझे भूल जाओगे? क्यों? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। बड़ों की बात तो माननी ही पड़ेगी, जहां रहो खुश रहो, जाओ।
क्या बात है भाई, हमें छोड़ के अकेले चाय पी रहा है? क्या करूँ गुरु, आजकल तुम लोग बहुत बिजी हो गए, मुझे कौन पूछता है। मैंने सही बोला ना? क्या बात हो गई भाई? अरे कल इस बेवड़े को पिटने देना चाहिए था। अरे मुझे तो चोरी का नशा है और तुम लोगों को प्यार का नशा तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा है। अरे क्या हो गया, तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे तुम लोग उस लड़की से चोरी चोरी बातें कर रहे थे, सबको पता चल गया है। इतना ही है ना? अरे इतना ही बोलते हो, वो चोरी कौन है पता है? अरे हम लोग प्यार करते हैं यार। लो, अरे वो कौन सी कास्ट की है पता है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाकर उसे पूछ लो। पूछ लो कभी नहीं, वो अपने दुश्मन की बेटी है और दुश्मन की बेटी से शादी नहीं करते। क्या यार, इस गांव में हम लोग एक साथ जी रहे, इसमें उन लड़कियों की क्या गलती है? देखा जग्गा, अपनी दोस्ती से ज्यादा इन लोगों को प्यार चाहिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, हमारी दोस्ती से ज्यादा बढ़ के इनका प्यार है क्या? ए, तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ, प्यार के बदले दोस्ती छोड़ दो ये क्या? ए, चल निकल यहाँ से। ए, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम लोग छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो? ए, उसके लिए तूने मुझे मारा, अब फ्रेंडशिप के पहाड़ में चल यहाँ से। छोड़ना यार, तू भी ना पागल हो गया। छोड़ना यार, चुप रहे, दोस्ती में ऐसा लफड़ा क्यों करना यार। रुको, तुम लोगों ने मेरी नाक कटा दी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या पापा, क्यों चिल्ला रहे हैं? वो अजय और विक्की से मिलके उनसे बातें कर रही थी, वो सब क्या था? पापा, हम दोनों उनसे प्यार करते। मुंह बंद कर अपना। पापा, अभी आप हमारा मुंह बंद कर देंगे, शादी के बाद गांव वालों का मुंह कैसे बंद करेंगे? तुम्हें प्यार करने के लिए दुश्मन के बेटे ही मिले क्या? भूल जाओ उन्हें। पापा आप क्यों चिल्ला रहे हो, हम जिसे पसंद करते हैं उससे शादी क्यों नहीं कर सकते? आप जिन लड़कों से शादी के लिए बोल रहे हो उससे अच्छा है ना कि हम अपने पसंद के लड़कों से शादी करें? पापा हम भी बालिक हैं, अब उन्हें हम पसंद करते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? जिसे हम जानते हैं उसके साथ जीना छोड़कर अनजान लड़कों से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। बड़ों से जुबान लड़ाती है। पापा अब हम छोटी बच्चियां नहीं रहे, अपनी जिंदगी का फैसला अब हम कर सकते हैं। पापा क्या हाल है शंकर, सब ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? मेरा क्या है, मैं एकदम आराम से हूँ, पर एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसे सुन के तुम्हारा होश उड़ जाएगा। ऐसी कौन सी बात है? हम अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए अपनी खेती को लेकर दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। सही कह रहे हो, ये बात तो है। हमारे लिए हमारे खानदान की इज्जत बहुत बड़ी है, उसी के लिए लड़ते हैं और उसके बाद हम चैन से जीते हैं। हाँ वो तो सही है, हम तो ऐसे ही जीते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें सब साफ साफ बताऊंगा, पहले मैं खेत से आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। यार चाहे कुछ भी हो, तुझे जग्गू को मारना नहीं चाहिए था। अरे क्या करूं यार, मुझे समझ में नहीं आया, बस मैं अपना कंट्रोल खो बैठा था। सच में तू पागल हो गया, फ्रेंडशिप में कोई हाथ उठाता है क्या? क्या हुआ, किसे मारा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, ये लोग हमेशा दोस्ती के बीच प्यार लाकर लड़ते रहते हैं। तुम चुप रहो बस, मुझे मारने के लिए मजबूर मत करो। क्या चुप रहूं मैं सब जानती हूं। यार लड़ाई बंद करो प्लीज, शांत हो जाओ ना। मैंने बोला था ना कि चुप रहो। स्वाति अब हम तुमसे दूर हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हो? कल अजय और जग्गू के बीच में झगड़ा हो गया, हमारा प्यार उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अगर हमें खुशी से रहना है तो हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। बताओ मैं क्या करूँ? इसलिए तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? अरे ये क्या बोल रही हो तुम, गाँव वाले आपस में ना लड़े इसलिए हमें एक दूसरे से दूर होना ही पड़ेगा। तुम लोग के लिए हम लोग खुद अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं और तुम लोग ऐसे कर रहे हो। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। छह, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। कोई बात नहीं, इस बात को दिल पे मत लेना, वक्त आने पर सब ठीक होगा। ए, रुको, आपस में लड़ाई करते हो? मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। अरे गांव वाले मुझसे बोल रहे थे। पिताजी इससे अनजाने में ये गलती हो गई। मारपीट करने वालों के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, जाओ तुम जाओ यहां से, जाओ जाओ जाओ।
ये दोनों कहाँ चले गए जी? मैंने घर से निकाला है, नालायक बेटा, घर में रहने से नर्क के समान है। उन्हें घर से निकाल दिया? हाँ हाँ। गांव छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों, कुछ हुआ क्या? नहीं, बस मुझे गांव छोड़ के जाना होगा। मुझे सच बताओ ना, कुछ हुआ तो नहीं ना? यहाँ भी क्या रखा है, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी, फोन करोगे ना? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, मैं जाता हूँ। गुरु, परेशान करते हो यार। हाँ बोलो सर, आपको कौन चाहिए? तुम्हारा मैनेजर कौन है, हमें उससे मिलना है। क्यों मिलना है सर? अरे नौकरी की बात करनी थी हमें। आपका मैनेजर किधर? अरे इन लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, अपने आप को ही मैनेजर समझने लगते हैं। आइए सर, मैनेजर से मिलवाता हूँ सर, आइए। चलो, कितने साल से काम करते हैं आप? 6 साल से। क्या 6 साल से यही काम कर रहे हो, फिर भी बेवकूफ बन के रहते हो? और हम देखो 3 महीने काम करके तुम्हारे मैनेजर को कैसे डिसमिस करते हैं। वो कैसे? आपका मैनेजर कैसा है? बोले तो कैसे, मतलब काम करते वक्त साइलेंट रहता है या फिर वायलेंट रहता है? आइए आइए, दिखाता हूँ। चलिए चलिए। अरे कहाँ है तुम्हारा मैनेजर भाई? आपका मैनेजर कहाँ है? अरे बताओ क्या बात है दोस्तों। सर सॉरी सर, सॉरी सर। अरे तुम लोग तो 3 महीना काम करके मैनेजर को डिसमिस करने वाले थे ना? हाँ? अरे भाई ऐसा मत करना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पहले वो बताओ। अपनी तरह से तुम लोगों की मदद करूंगा।
अरे सर, आपने ऐसे लेने की कोई बात नहीं है, तुम दारू पियो, दारू पियो, सारी तकलीफ भूल जाओगे, पियो। अगर प्यार करने में तकलीफ ज्यादा होता है तो दारू पियो, इसे पी करके प्यार को भूलना सीखो। अभी हम क्या कर सकते हैं सर, जो होना था हो गया। क्या बात है भाई, प्यार के लिए अपने दोस्त को छोड़ दिया? जग्गू के ऊपर भी तूने हाथ उठा दिया। एक लड़की के लिए कभी दोस्तों पे हाथ उठाते हैं क्या, ये बता मुझे। हाँ, गलत किया तूने। हाँ भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। खैर जाने दो, इन सबसे क्या फायदा। जो जैसे हो रहा है होने दे यार। हाँ भाई जाने दो। ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ರಿ, ಹೋಗ್ ಬನ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ, ಮದುವೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟಣ್ಣ? 20 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರಲಾ? ಆಯಿತು. जा रहे तो जाने देना, छोड़ना। अजय, एक प्यार की वजह से हमने फ्रेंडशिप तोड़ दी, ये बहुत गलत किया। ए अजय, क्या भाई इतने दिन कहाँ थे? क्या करते यार, तुम लोग तो बात ही नहीं करते थे हमसे। क्या अजय, तू इतनी जल्दी मुझे भूल गया क्या? ए, तू चाहे जितना भी मुझे मार ले, पर हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। सॉरी बेवड़े। छोड़ना यार, चल। चले। ओके भाई, अरे विक्की, अपना ख्याल रखो। हाँ, छोड़कर कैसे चले गए तुम? मेरी छोड़ो, मेरी दर्द भरी कहानी अब मेरे अंदर ही रहने दो, हम प्यार को भूल जाएंगे, तुम जाओ। तुम्हारी याद में मैं कितनी तकलीफ उठा रही थी पता है क्या? अब चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाना। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। अब और देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझसे शादी कर लो। क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है? तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, पर एक दिन जरूर पता चलेगा। अजय, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे लेकर चलो। शीला, तुम नहीं जानती हो कि मैं कितने तकलीफ में हूँ। हमारे प्यार के बारे में खुलकर मैं किसी से नहीं बोल पा रहा हूँ। हमें गांव की इज्जत करनी चाहिए, किसी के घर की इज्जत हम ऐसे नीलाम नहीं कर सकते। अजय, तुम चाहे कुछ भी कर लो,
बस जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मेरी बात मानो अजय प्लीज। क्या करूं यार, मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बेकार ही प्यार में पड़ गए, हमारे घर वाले हमारे प्यार को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। सच में अजय? ठीक है शीला, कल हम उस पहाड़ी वाले मंदिर पर शादी कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं जी सकता। जाओ तुम अपना सारा सामान लेकर आ जाओ। हाँ, मैं आ जाऊंगी। तुमसे दूर होकर मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा। मैं भी अजय। टाइम देखो, इतना लेट क्यों कर दिया तुमने? हाँ, अरे पापा से छुप के आना था ना। तो क्या उन्हें फिल्म देखने के बहाने बोल के आई हो? पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है, तुम नहीं आते तो शादी मैं उसी से कर लेती। हाँ चुप रहो, बहुत बातें करती हो तुम। ये देखो मैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लेके आया। ये साड़ी शादी में भी पहनूंगी और मरते वक्त भी। कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ चलो जाओ अब। झूठ बोलकर आने में लेट हो गई। ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने माँ बाप को छोड़कर आए हैं, प्लीज हमारा साथ मत छोड़ना। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजय मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। माँ बाप की मर्जी के बिना शादी तो कर ली पर सही नहीं लग रहा है। तुम लोग परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल बहुत परेशान हो रहा है। देखो टेंशन मत लो, तुम लोग सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम कहाँ जाएंगे? अब चिंता की कोई बात नहीं है, चलो निकलते हैं। जल्दी से जल्दी मेरी बेटियों को ढूंढो, अजय और विकी को साथ मत लाना। अरे पियो ना। मेरा मन नहीं कर रहा है। मेरा भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मेरे पापा को छोड़कर मेरा मन नहीं लग रहा। मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम बिल्कुल चिंता मत करना। चलो पानी पियो। तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करो। शादी तो मैंने अपने पसंद से की है ना। रहने दो, छोड़ो दीदी, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, बस जाने दो। तुम्हें तुम्हारा बाप बुला रहा है।
मैंने बोला था ना, हमारे पापा बहुत सख्त हैं, पर वो जरूर मान जाएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। तुम लोग को अकेले बुलाया है। लेकिन क्यों? राव कल चल रहा है, तुम लोग नहीं आ सकते। जाके आते हैं। तुम लोग जाओ। ठीक है, तुम संभल कर जाना। हाँ, ये राहु को भी अभी आना था यार। भाई, जब से हमने शादी की है तब से राहु काल ही चल रहा है, क्या करें, अब अपनी किस्मत में यही लिखा है। खैर, जो किस्मत में लिखा है वो होगा ही ना, क्या कर सकते हैं अब हम। बापू, वो लोग आ गए। अरे आरती लेके आओ, मेरी बेटी आ गई है। क्या भाई, इतना टाइम हो गया, अभी तक वो लोग आए नहीं। अरे यार, यहाँ पर बैठ कर हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे तो वो लोग कहाँ आएंगे। हाँ, चलो वहीं चल के देखते हैं। हाँ, चलो, चलो चलते, चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंची वो लोग। अरे ये क्या हुआ, इनके घर पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे हमारी शादी की खुशी में बकरा वकरा काट दिया होगा। क्या बात कर रहा है, बकरा काटा गया होगा, तब तो हम लोग खूब दबा के खाएंगे। चल चलो मिलकर खाते हैं। चलो चलो चल चलते हैं। भाई संभालो।